उधर कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए, संक्रमण रोकने के लिए दो हफ्ते का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। ये कह रहे हैं एक्सपर्ट, कह रहे हैं ये जरूरी है वरना संक्रमण की चेन तोड़ने में दिक्कत होगी। और 15 दिन के लॉकडाउन की बात कर रहे हैं वो। लॉकडाउन पर केंद्र सरकार अब जल्दी ही कोई फैसला ले सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। देखते हैं वो क्या फैसला होता है। राज्यों ने अपने यहाँ अलग अलग तरीके से लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है, लेकिन क्या देश में कोई कंप्लीट लॉकडाउन लग सकता है? जो बात सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है या जो सलाह कोविड टास्क फोर्स ने दी है, सरकार के अंदर उस पर मंथन जरूर चल रहा है। अब देखते हैं वहाँ क्या निकल कर आता है। लेकिन लॉकडाउन जरूरी क्यों है, कोविड टास्क फोर्स ने क्या तर्क दिए हैं, उनका क्या कहना है, ये आप जानिए। क्योंकि लॉकडाउन 15 दिन के लिए लगाया जाना चाहिए, ये कहा है कोविड टास्क फोर्स के एक्सपर्ट्स ने। देश में कोरोना के मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए कोविड टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स सरकार को सलाह देती है कि वो कौन से तरीके हो सकते हैं या वो कौन से फैसले हो सकते हैं जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिल सकती है। और डॉक्टर वी के पॉल को आप देखते होंगे जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, वो भी इस कोविड टास्क फोर्स को लीड करते हैं। वो अगर ये टास्क फोर्स सलाह दे रही है तो देखते हैं कि अब सरकार इसको कैसे लेती है। क्योंकि हमने आपको बताया जैसे कि बिगड़ते कोरोना के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कुछ सलाह दी है। देर रात कल सुनवाई हुई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सलाह दी है कि लॉकडाउन पर विचार किया जाए। कोरोना को काबू करना है तो लॉकडाउन पर विचार किया जाए, कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए उपाय करें। समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है सबसे पहले कि संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए लॉकडाउन लगाया जाए। लॉकडाउन की सलाह कोविड टास्क फोर्स ने भी दी है। लॉकडाउन से पहले सुनिश्चित किया जाए कि सामाजिक और आर्थिक असर कम पड़े, क्योंकि ये लॉकडाउन का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। जिन लोगों पर लॉकडाउन का असर पड़ेगा उनके लिए खास इंतजाम किए जाए, खासकर मजदूर के वर्ग के लोग, खासकर वो लोग जो निचले तबके के हैं और डेली मजदूरी करते हैं।